Welcome back to the another video and आज के इस वाले वीडियो में फिर से लाया है इस वेस्ट को। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, ये वेस्ट एक्चुअली में रियल लाइफ में डैमेज देता है। अगर गेम के अंदर कोई भी हरकतें होती है, कोई भी डैमेज वाला सीन होता है, तो वो मुझे रियल लाइफ में महसूस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस वेस्ट की मदद से होगा। एंड आज के इस वाले वीडियो में तुम्हारा भाई खेलने वाला है वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट गेम को। मेरा कहने का मतलब है, मैं बॉक्सिंग करने वाला हूँ, मैं शार्क के मुंह के अंदर जाऊंगा। जितने भी हार्डेस्ट टफेस्ट डेंजरस गेम अलाइव है इस दुनिया में, मैं वो सभी गेम को खेलूंगा। बट एक चीज याद रहे, डैमेज में तो रियल लाइफ में होने वाला है, जो गेम में होगा वो यहाँ पे भी होगा। ये टाइम है वीआर को डालने का, मैंने जैसा कि कहा रियल होने वाला है सब कुछ, तो आज रियलिटी एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स गो। क्या रे फैंटोन, मैंने सुना तो चैलेंज कर रहे हैं। मैं भी तो एक चैलेंज देता हूँ। पहले तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये बंदा ना रस्ते पे कभी सीधा नहीं चलता, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है एकदम ब्योर्ड की तरह। यार बैलेंस ज्यादा ठीक है, बट रोड पे चलना नहीं आता, ये कैसी बात होती है यार। तो मेरा चैलेंज ये है तेरे लिए कि तू दो बिल्डिंग के बीच में एक लकड़ी का पार्ट डाल के उसके ऊपर चल, और चलते चलते बीच में गिर जा एकदम बिल्डिंग से नीचे धड़ाक सी, और देख तुझे कैसा पेन फील होता है, खतरनाक, मरना चाहिए। मतलब पहला चैलेंज ही बहुत हार्ड होने वाला है। हाँ, ये वही वाला सीन है। Let's go! हमारा प्लैंक आ गया। थोड़ा हमको ये इतना रियल है, ये देखो मैं जैसे मूवमेंट करूंगा ना, वो वैसे ही मूवमेंट होगा। एकदम आराम आराम से, एकदम आराम आराम से हम आगे चलेंगे। हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आराम से बेटा, इधर देखो तुम आजू बाजू क्या है, मर जाएंगे यार। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से क्या करूँ। मैं आज की ओ यहाँ पर खत्म। ये तोड़ ये इतना हिल क्यों रहा है, कोई बताएगा ये इतना हिल क्यों रहा है, कौन हिला रहा है इसको, मैं तो हिला नहीं रहा हूँ। पता चले प्लान के साथ मैं उड़ गया, ये हवा आ रही है शायद, यस यस, इसलिए मैं अभी हिल रहा हूँ। आराम से, कोई कोई पैर रहा, हवा उड़ा के लेके जाऊँ। ठीक है चलो लेट्स गो। अभी कुछ ज्यादा हवा आ रही है। ओ नहीं, ये क्यों गैस स्कैम हो गया मेरे साथ। नहीं तेरे हवा भी बिखरने का मुझको बड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक और बार हम करके दिखाएंगे। समस्याएं आती जाती रहती हैं, इस बार भी समस्या आई थी। हम आ गए, पागल बुढ़े गिर जाएगा नीचे, बच गया भाई सब बर्रा है इस बार तो। अरे ये दुख का खत्म नहीं होता बे, धक्का कौन दिया वो बताओ। ओ ये हाई देखो, मैं नहीं करूंगा, चल हट। वेट, अभी मुझे एक चीज याद आई कि आप में से सभी व्यूअर जितने भी देख रहे हो, वो जीत सकते हैं 2000 की रिडीम को। कुछ भी नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब एंड लाइक, याद रहे मैं देख सकता हूँ कौन सब्सक्राइब कर रहा है और कौन लाइक कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं रिडीम कोड डालने वाला हूँ। एंड जो सबसे पहले दो बंदा रिडीम करेगा, हमारा सब्सक्राइबर, उसको मिलेगा 1000 रुपीस के दो रिडीम कोड। जिन्हें नहीं पता मेरे को बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है। देखना देखना देखना, खेलना नहीं भाई देखना। अब आया ना लाइन पे। हाँ मतलब वो थोड़ा सा इजी टाइप था, मतलब तेरे थोड़ा कम दर्द हुआ, पर अभी जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ वो लिटरली में बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि तुझे जाना है बॉक्सिंग रिंग में जॉन सीना के सामने, मतलब कोई भी पहलवान के सामने तुझे दो दो हाथ करने, तुझे फाइट करना है एंड उसका पेन फील करना है कि तुझे कितना ज्यादा दर्द होता है। दर्द होना चाहिए यार, मजा आता है दर्द से। अगर आलू को मारना रहता तो मैं मार लेता आसानी से, क्योंकि है वो आलू। तो आ जाओ अखाड़े में चलते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। ओह यस आई एम बैक, लेट्स गो। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं मैं, बिकॉज़ जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, महेंद्र सिंह कोहली लेट्स गो, वो रहा हमारा दुश्मन। फाइट कर रहे हैं वहां पे, रुक देखो बता दो देखो मैं कौन हूं। रुक एक मिनट, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं भाई, केजीएफ का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे हम। यस चेयर करो, मेरे नाम का चेयर करो तुम लोग। अरे भैया आज हम इसको देखे चांटी शॉट। ओके ये मैंने नया शॉट बनाया, सिंग हम शॉट। नाइस शॉट टू मी, सिंगम नहीं ये च्युइंगम शॉट था। क्या Yeah.
गेटिंग ओवर इट एंड टेल अस द एक्सपीरियंस ऑफ पेन। यार ह्यूमैनिटी रही नहीं है मतलब बिल्कुल भी। तो आ चुका हूँ मैं गेटिंग ओवर इट खेलने के लिए और ये रहा गेटिंग ओवर इट। आपको बता रहा गेटिंग ओवर इट हम लोग हाइट पे जा सकते हैं और अगर मैं हाइट से गिरा तो मेरे को डैमेज पड़ेगा। गेटिंग ओवर इट में इसको खेलते ही पेन हो रहा है यार, ये गेम ही पेन है पूरा। यस बेबी कैम डाउन। लाल किले मेरी हाइट थोड़ी सी हो गई है, मैंने ना अगर इधर से गिरना है ना ये लाल बत्ती तुरंत चल जानी है। थोड़ा सा जान पर आ गई थी मेरे, अभी ये लाल बत्ती जलने वाली थी। बस एक काम करते हैं, हाँ हाँ थोड़ा ऐसे जा, रुक रुक रुक, खुद को सपोर्ट दे। अब डैमेज नहीं लेना है मैंने। ये 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 टूट गया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। नहीं पागल हूँ यार, क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, कोई बताएगा? Come on baby shark, baby shark to do to do, baby shark to do to do. रुक जा, ऐसे नहीं, ऐसे करो। Oh yeah, पद्मास्तन। संदेह किस बात का है क्या? किसी बात का संदेह नहीं है। संदेह? संध्या मैम, हाई भाई भाई। ओ बेबी बेबी काम डाउन। अनदर बंगा बेबी काम डाउन। मैं मार दूंगा। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मुझसे नहीं होने वाला गेम, बस हुआ ये चैलेंज। तो ये बंदा कह रहा है कि मुझे डायनासोर अटैक को सरवाइव करना है। जिन्हें नहीं पता जुरासिक वर्ल्ड के बारे में बता दूं, वहां पे खतरनाक टीरेक्स, पता नहीं कौन कौन से डायनासोर्स रहते हैं, बट फर्क ये रहेगा जो भी चीज होगी वो यहाँ पे इफेक्ट करेगी। ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, मेरे को नहीं पता क्या करूंगा मैं। चलो एक चीज अच्छी है, शायद मैं डायनासोर के पास नहीं आया हूँ जुरासिक वर्ल्ड में। ये कहाँ पर आया हूँ कोई? हेलो हाय, आप मेरे दोस्तों, आप मेरे को मारोगे? ये छोटा है वैसे भी, मेरे को लगता नहीं कुछ खास कर पाएगा। मैं इसकी एक मुक्का मारूंगा जमीन के अंदर चले जाएगा। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो साला मारा कौन भाई? एक टीरेक्स। कौन है ये? मुझसे नहीं, क्या कर रहे लोग? अरे मेरे टाइम हो गया क्या सर्वाइव करने का? तो सुबह मारे मारे करे। अब क्या हो रहा है, एक और आवाज आ रही है। ओ इसने मारा क्या मेरे को? लोग के बीच में मैं क्या जाऊं? सिर्फ इसकी आवाज से ये फेस्ट रेड हो गया, सिर्फ इसकी आवाज से। कैन यू प्लीज टेल दी द टेस्ट ऑफ ग्रैनीज बैट? थोड़ी सी इंसानियत है, थोड़ी बची है क्या? वरना मैं आज लाल पीला होके जाना है यहाँ से। तो आ जाओ ग्रैनी का डंडा टेस्ट करने चलते हैं ग्रैनी गेम के अंदर। देखो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, ग्रैनी और मेरा बहुत ही अच्छा नाजायज संबंध है। प्रैक्टिस कौन करता है बे? इजी, नॉर्मल, हार्ड, एक्सट्रीम। ग्रैनी का डंडा ऐसा लगना चाहिए। मेरा बस चले तो एक गेम पूरा एस्केप कर लूं, बट हमारे पास समय की कमी है तो इसीलिए नो शानबीन। वैसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाई द हेक इज कंट्रोल इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय मी? आई मीन माय इंग्लिश इज बेटर देन यू, देन व्हाई यू वुड बी लाइक आई एम डूइंग द फर्स्ट फकिंग वो जो बंद हो जाता है वहां पर, एग्जैक्टली वही चीज वहां पर। चाहे जितना भी पोलियो की ना, हो गया स्वाद चख लिया, बात खत्म, गेम एंड। हो गया भाई, ग्रैनी का चैलेंज कंप्लीट। नेक्स्ट चैलेंज, प्ले क्लैश ऑफ क्लैंस एंड गेट 3 स्टार विद योर पेनफुल जैकेट। एक मिनट, नेक्स्ट लेवल आई क्यू मेरे दिमाग में आई है। वेट अ सेकंड, ये लो जेम दिया, एक मैंने लाइटनिंग स्पेल खरीद लिया, एक और खरीद लेते हैं। अभी तुम लोग बोलोगे अभिषेक भाई तुम क्या आईक्यू अपनाते हो यार, ये डाला एक कैनन, ऑसम, इधर ये डाला एक, इसमें ये फूटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बारबेरियन किंग डाल देंगे, एबिलिटी यूज कर लेंगे और 3 स्टार भी मिल गया। चैलेंज कंप्लीट एंड मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, वीडियो नहीं, धमाकेदार वीडियो के साथ।
रेडी रहना, नेक्स्ट वीडियो मजा आने वाला मेरे दिमाग में।